अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है हंसिनी, नाम चाहिए ना तुमको, ठीक है जाओ दिया तुमको पत्नी का दर्जा, आज से ये हंसिनी राजीव नारायण चंदेल की पत्नी है। यहाँ वकील साहब के पास गए थे तलाक के लिए, हाँ या ना? हाँ तो का ना, आपको हमसे तलाक मिला और ना ही हमसे राहत, तो हम अभी भी आपकी पत्नी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आपका ब्याह हंसनी जी के साथ हुआ है। क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ फंस गई है हमारी जिंदगी? एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ हंसनी, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। अब बताइए कौन सा नंबर है, ना कि छ? बताइए कौन सा नंबर है, छ कि नौ? देखिए कौन सा अंक लिखा है, नहीं छ? बताइए कौन सा नंबर है, छ कि नौ? ठीक से देखिए, बताइए नौ लिखा है कि छ? बताइए कौन सा नंबर है, छ छ छ? नहीं। तलाक संबंधी नियम, भारत में तलाक को लेने के कानून। सॉरी सॉरी मिस्टर डियन, ये सब आप जानबूझ के कर रहे हैं ना? ऐसा क्या खा लिया था आपने, बम का गोला? सॉरी, ज्यादा खा लिया आज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कहाँ बसा दिया है सबने हमें, कोई बचाओ, बचाओ कोई इस होल्डी से। अरे भाई, इश्क और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, अब हमारी तो शादी हो चुकी है, मतलब जंग भी है इश्क भी है। कौन आ गया, कौन है भाई इस वक्त? राजीव, और बाबा तबीयत कैसी है? अच्छी है, पर ज्यादा खा लिया था। किसी से आपकी बात करवानी थी। किससे? हेलो, हाँ वकील साहब, आप भी कमाल करते ना वकील साहब, अभी अभी बाबा से पता चला हमको। खैर कोई बात नहीं, लीजिए, आप बाबा से ही बात कर लीजिए। अरे बाबा, हेलो तो बोलिए। अरे आपके घनिष्ठ मित्र है एडवोकेट प्रवीण शर्मा, हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। हेलो, प्रणाम जज साहब। अरे आपने तो बोला था किसी से कुछ नहीं कहना, फिर आपने ही सब बता दिया। अरे भाई, क्या बता दिया? चलिए चलिए हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जब जब हमने यहां पे लोगों पे यकीन किया, लोगों ने हमारा यकीन नहीं दिल भी तोड़ा। अरे धोखा दिया यहां लोगों ने हमको। आज के बाद शायद हम अपनी आंखों पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। कि एक बात हम समझ चुके हैं कि सिर्फ नैना नहीं ठगते, अपने सगे पुराने सब ठगते हैं। और उसके बाद ना आत्मा रोती है, दिल टूटता है,
क्या कहते थे आप? आप प्यार करते हैं ना हमसे? क्या कहा था तुमने यहाँ पे लोगों को? हमारी जरूरत है ना, तो जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि धोखा दिया जाता है उसको। बोलिए ना, धोखा दिया जाता है उसको? कुहिया, अब तेरा हर खेल, हर नियत बाहर आएगी। सुनो सुनो सुनो, आज चंदेर भवन में फिर से अदालत लगेगी, मुकदमा होगा, केस होगा एक धोखेबाज लड़की के खिलाफ, मक्कार और मगरूर जज के खिलाफ और एक चालाक और शातिर वकील के खिलाफ। केस होगा यहाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक, वक्त वक्त पे धोखा दिया हमको। और इस बार तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया, सबने धोखा दिया हमको, और वो भी एक साथ, एक समय पर, एक जगह पे। वाह, 6-9, 6-9, 6-9, दिमाग खराब करके रख दिया हमारा। लेकिन एक बात समझाए तुमको, सच ना सच होता है, सच हमेशा एक ही होता है, सच कभी बदलता नहीं है। तो नजरिया चाहे कोई भी हो और दृष्टिकोण कोई भी हो। राजी बाबू, अब जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहना, बेकार की बयानबाजी नहीं चलेगी। अब अरे रुकिए जज साहब, थोड़ा सबर कीजिए। इससे पहले कि भूतपूर्व जज श्री देव नारायण चंदेल और इस घर के मुखिया अपना स्थान ग्रहण करें, उनको यह तसल्ली करनी होगी कि आज वो पूरे मामले में निष्पक्षता बरतेंगे और किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, केवल न्याय करेंगे। मैं न्याय करूंगा, कोई पक्षपात नहीं करूंगा, यकीन दिलाता हूँ। वचन देते हैं आप? हाँ, मैं वचन देता हूँ। कमाल करते हैं आप भी जज साहब। आपको क्या लगता है, क्या आपके घर के लोग बेवकूफ है? इतनी बार धोखा देने के बाद, धोखा खाने के बाद आपको लगता है कि आपके इस वचन पे हम यकीन करेंगे? तो यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पिछली बार बाप की दुआई देकर पूरे मामले में आपने अपने न्याय से घर वालों को बरगला दिया, तो इस बार एक बाप ही शपथ लेगा। आपको हमसे शिकायत है ना राजीव बाबू, अब बड़का बाबू काहे सजा दे रहे हैं आप? वकील बाबू जरा आगे आएंगे, यकीन दिलाना चाहते हैं ना, तो रखिए अपने दोनों बच्चों के सर पे हाथ और शपथ लीजिए, क्योंकि अगर आपका वचन झूठा निकला ना, उसका भुगतान एक ही बेटा क्यों करे? वचन झूठा निकले तो उसकी सजा बाप को भी दोनों बच्चों को गवा कर मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यूं ही शपथ ले लेता हूँ। जरूरत है, जिस तरह से आपने धोखा दिया है ना, उसके बाद जरूरत है। अपने दोनों बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं जो भी न्याय करूंगा सही, सच्चा, निष्पक्ष और पूरी तरह ईमानदारी से करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। चलो, आज एक बात की परख तो हो ही जाएगी कि भूतपूर्व जज श्री देव नारायण चंदेल को अपने से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र है या नहीं, क्या वो सच में न्यायप्रिय है या नहीं। तो फिर एक वकील आज नहीं, अपने... नहीं, 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 नहीं संजीव बाबू, वकील नहीं, अपना ये काला कोट उतारिए और कुहू जी को दीजिए। वो क्या है ना, केस अदालत में, मुकदमा आप पर भी है, तो गवाही, सफाई और तर्क आपको भी देने होंगे, और आज कोई किसी के लिए जिरह नहीं करेगा। यहाँ पर आज इस मुकदमे में अपनी बात, अपने जज्बात खुद व्यक्त करेगा, और क्योंकि आज का मुकदमा सार्वजनिक धोखेबाजी का है, इस अदालत का यह लक्ष्य है कि झूठ के इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया जाए जिसके नीचे 7 वर्षों से घूट घूट के जी रहे हैं।
ये क्या हो रहा है भोले बाबा? ये जो हो रहा है ना, इसका कोना तोड़ नहीं है हमारे पास। अब तुम ही कुछ करो भोलेनाथ। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।